मानेंद्र सिंह जसोल को लेकर आज हम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद में हम बताएंगे रविंद्र सिंह बाटी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर के दौरे पे थे और उन्होंने एक निजी होटल में मानेंद्र सिंह जसोल से एक बंद कमरे में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इतने दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे मानेंद्र सिंह जसोल के भाजपा ज्वाइन करने के, उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो है वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने यहां पर जोधपुर लोकसभा, पाली लोकसभा, जालोर सिरोही लोकसभा और बाड़मेर लोकसभा सीट के लिए जो कार्यकर्ताओं की है वो बैठक ली है। इसके बाद में वे एक निजी होटल पहुंचते हैं, वहां पे लंच करते हैं, वहीं उसी निजी होटल के एक बंद कमरे में मानेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात करते हैं और एक तस्वीर जो है भाजपा के विधायक जो सूरसागर से विधायक है देवेंद्र जोशी के साथ में उनकी तस्वीर अब वायरल हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मानेंद्र सिंह जसोल से भजन लाल शर्मा की देर तक बात हुई है। इसके बाद में उन्होंने भजन लाल शर्मा ने मानेंद्र सिंह जसोल के लिए जो है भाजपा के रास्ते सुगम कर दिए हैं। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मानेंद्र सिंह जसोल जो है भाजपा ज्वाइन कर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब पश्चिमी राजस्थान की सभी सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार जो घोषित कर दिए हैं, उसके बाद में अब देखना होगा कि अगर मानेंद्र सिंह जसोल जो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो वे किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं या वे चुनाव लड़ते हैं या नहीं है। अगर सूत्रों की माने तो वे राजसमंद लोकसभा सीट से अब उम्मीदवार हो सकते हैं। यह दिया कुमारी की सीट रही है। दिया कुमारी ने पिछले चुनावों में एक बड़ी जीत 5 लाख से अधिक वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। अब ये सीट राजपूत मतदाताओं की संख्या यहां पर ज्यादा है और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि मानेंद्र सिंह जसोल जो है यहां से जो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सूत्रों की माने तो ऐसा भी माना जा रहा है कि मानेंद्र सिंह जसोल जो है भाजपा ज्वाइन कर चुके होते लेकिन एक दुर्घटना के चलते जिसमें उनकी पत्नी का निधन हो गया चित्रा सिंह का, उस कारण से वे भाजपा ज्वाइन करने में देरी हो गई। जिस तरह से उनके घर पर, उनके आवास पर जो है जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेताओं का आवागमन रहा है पिछले दिनों में, इससे भी इस बात के कयास को प्रबलता मिल रही थी कि वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी खबर है वो रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी हुई है। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर सीट से रविंद्र सिंह भाटी जो है पिछले 2 हफ्ते से अपने लोकसभा क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा पर है और जनताओं को संबोधित कर रहे हैं। अगर जनता उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का कहती है तो वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जनता के ऊपर जो है अपना फैसले को डालते हुए लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर हम बताते हैं कि वे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जयपुर में मिले थे। इसके बाद में आज वे जोधपुर आए थे। जोधपुर में वे जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फिर से मिले हैं, ऐसा खबरें आ रही है। वे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जोधपुर पहुंचने से पहले करीब 10 मिनट पहले वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से निकलते हैं। इसके बाद में जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर से वापस लौटते हैं तो वे उदयपुर की तरफ अपना रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उदयपुर में बैठक लेनी होती है, वो बैठक में जाते हैं। इससे वे अपने विशेष विमान से जोधपुर से उड़ान भरते हैं। उस विमान में कैलाश चौधरी होते हैं, साथ में होते हैं रविंद्र सिंह भाटी। जिस तरह से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पे थे और उन्हें मिशन 25 का जो कारमधार प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था, उसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि भजन लाल शर्मा जो है सभी जगह मध्यस्थता करके जो भी बागी नेता है, जो भी विरोध है, उनको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे मानेंद्र सिंह जसोल हो, रविंद्र सिंह भाटी हो या सिंह बाबू सिंह राठौड़ हो। पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी थी बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के सीमा हाउस में गले मिलते हुए कि लगातार जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ विरोध कर रहे थे, इसके बाद में भजनलाल शर्मा मध्यस्थता करते हैं और उनके बीच में विरोध खत्म होता है और फिर कार्यालय उद्घाटन में गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय उद्घाटन में बाबू सिंह राठौड़ उनके लिए वोट बटोरने का काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है रविंद्र सिंह भाटी के साथ में। अब जल्द ऐसा माना जा रहा है
कि जो रविंद्र सिंह भाटी की जो शर्तें हैं भाजपा ज्वाइन करने की, उस पर सहमति बन सकती है। इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो सकते हैं और कैलाश चौधरी को समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में अगर रविंद्र सिंह भाटी भाजपा ज्वाइन करते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुत मदद मिल सकती है और उनके लिए जो आने वाला चुनाव है वो सरल हो सकता है। देखिए, हालांकि बाद में जैसलमेर सीट के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी, जब रविंद्र सिंह भाटी अगर भाजपा ज्वाइन कर देते हैं तो कांग्रेस इसके ऊपर किस तरह का उम्मीदवार जो है कैलाश चौधरी के सामने खड़ा करती है। साथ ही मानवेंद्र सिंह जसोल अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि होली के बाद जो है वो मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आगामी सूची में उनका नाम भी लोकसभा प्रत्याशी रूप में सामने आ सकता है। हो सकता है कि वे लोकसभा का चुनाव राजसमंद सीट से लड़े। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।